हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम ब्लड को ब्लड में सर्कुलेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। सर्कुलेटिंग सिस्टम क्या होता है, मतलब परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ब्लड को अलग अलग पार्ट में मैंने डिवाइड करके इस वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। पहले ब्लड ग्रुप, ब्लड क्लोटिंग यानी ब्लड, इस सब चीज़ को मैंने 3 वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है। आज चौथा वीडियो हम बना रहे हैं परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटिंग सिस्टम। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं सर्कुलेटिंग सिस्टम। विलियम हार्वे ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसका खोज किया था, मतलब कि हमारे शरीर में ब्लड दौड़ता है, इस चीज का खोज विलियम हार्वे ने किया था, जिसे हम सर्कुलेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, सर्कुलेटिंग सिस्टम में हमारे शरीर में लसिका और रक्त का आने जाने को ही हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू हमारा रक्त आता जाता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है सेल के पास और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड बन के फिर वापस आता है, ये सब चलते रहता है, इसी को हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। एक होता है अलग से सर्कुलेटिंग सिस्टम, वो अलग हो गया, लेकिन इस चीज को हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र। ये परिसंचरण तंत्र 3 टाइप के होते हैं, ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र एंड मिक्स सर्कुलेटिंग सिस्टम। मतलब सब चीज से मिक्स से रक्त रहता है, इस परिसंचरण तंत्र उसे बोलते हैं। ये सब हुआ इसका इंग्लिश हिंदी। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट में ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम वही होता है जिसके अंदर, जिसके बॉडी में कोई नस नहीं होती है, उसके अंदर ही जो भी ब्लड सर्कुलेट करता है उसके अंदर ही करता है। जैसे तेलचट्टा को आप लोग कभी मार दीजिएगा तो उसमें से एकदम प्रेशर से ब्लड नहीं निकलता है, एकदम आराम से ब्लड निकला गिर गया, उसमें प्रेशर नहीं होता है। किसमें, ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम में कोई भी नस नहीं होता है। लेकिन इसमें आ जाता है तेलचट्टा हो गया और घोंघा हो गया, तेलचट्टा और घोंघा हो जाते हैं जिसमें कोई भी नस नहीं होती है। ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है मतलब कोई नस का आना जाना नहीं रहता है, इसीलिए वो पिचक के पूरा उसका ब्लड वहीं पे फेंक देता है, कोई प्रेशर नहीं फेंकता है। लेकिन इसमें ये दो एग्जाम्पल आ जाते हैं, घोंघा हो गया, ऐंठा हो गया और स्नेल्स हो गए और तेलचट्टा हो गया, ये सब इसमें एग्जाम्पल में आ जाते हैं। जैसे ऐंठा हो गया, ये सब आ जाते हैं एग्जाम्पल में ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम में। अब आते हैं क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम में हम लोग जैसे हो गए, हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम हो गया, अगर हम लोगों का कहीं से नस कर देता है तो हमारा क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम एक नस होता है चारों तरफ से हमारे बॉडी में, ये नस के थ्रू पूरा आना जाना, रक्त का आने जाने का क्रियाएं होती रहती है, इसी को क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम कहते हैं। मतलब क्लोज एक नस में रक्त को आने जाने की क्रियाएं होती रहती हैं। इसमें आ जाते हैं मनुष्य आ जाते हैं, स्तनधारी आ जाते हैं, स्तनधारी में गाय भैंस घोड़ा बकरी ये सब आ जाते हैं। इसमें हमारा मानव हो गया, कछुआ हो गया, इटीसी एग्जांपल हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में ये जो नस होती है ना, इसी में सर्कुलेट नस के अंदर करते हैं। कोई एक पाइप ले लिए, पाइप के अंदर मान लीजिए यही पाइप है, इसी के अंदर ब्लड आने जाने की क्रियाएं होता रहता है, इसी को हम क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम कहते हैं। जिसके अंदर ये पाइप नहीं रहता है, मतलब नस नहीं रहता है, तो वैसे ही खुला रहता है बॉडी में, तो उसको ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम कहते हैं। हमारे बॉडी में क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम हो गया। अब अगला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मिक्स। मिक्स में कौन से होते हैं, जिसमें ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। जैसे कोई मछली को ले लीजिए, मछली का जो पंख होता है, पंख में ये नस रहता है तभी ना इसे करता है, मछली हो गया, इसके अंदर नस के थ्रू ये क्या करता है, क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम यहाँ करता है। लेकिन बॉडी को काटा जाता है मछली के, तो इसमें क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम कोई नस नहीं होता है, ऐसे ही बॉडी में ही उसका ब्लड होता है। तो ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, तो इसे हम बोलते हैं मिक्स सर्कुलेटिंग सिस्टम, जिसमें आता है मछली आ गया, मेढक हो गया, टेबल छोटा बच्चा वाला वो सब आ जाते हैं इसमें मिक्स में। तो हम लोग ये 3 पार्ट को हम देख लिए, जो कि 3 पार्ट में होता है, ये ओपन क्लोज और मिक्स। उसके बाद हम हमारे बॉडी को देख लेते हैं, हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं,
खून आने जाने के नसें होती हैं, ये दो टाइप के होते हैं। पहला को बोलते हैं आर्टरी और दूसरा को वेन बोलते हैं। ये टू टाइप के होते हैं, एक होता है आर्टरी एक वेन, जिसको हिंदी में धमनी और शीरा बोलते हैं। एक तरफ से ब्लड जाता है, एक तरफ से ब्लड आता है, ये दो टाइप का होता है। इसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे, इसको स्क्रीनशॉट करिए और यहाँ पे नोट्स दिखाई दे रहा है उसको भी स्क्रीनशॉट करिए, इसके बाद आगे हम बताते हैं। मैंने यहाँ पे नसों को ब्लड वेसल्स को दो टाइप में डिवाइड किया था, जैसे कि वेनल्स और आर्टरी, मतलब शीरा और धमनी। तो शीरा धमनी को अलग अलग दो तरह से बांटते हैं। सबसे प्रेशर किस में होता है, सबसे पहले पीछे हम बता दिया था कि ओपन क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है। जैसे कि हम लोग क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम, जैसे मुर्गा हो गया, मुर्गा को अगर काट देंगे तो क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है, उसमें रक्त इतना तेजी से घूमते रहता है, हम जानते हैं 120 जाता है 80 आता है। तो वैसे ही ये हम लोग का दो तरीका से नस होते हैं। एक होता है नीला नस जो ऊपर वाला होता है, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं शीरा, और अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं धमनी। दो तरीका से नस होते हैं, जो ऊपर हम लोग का दिखाई देता है वो सीधे होते हैं, और अंदर जो होते हैं धमनी। सीधा कट जाता है तो एकदम हल्का हल्का यहाँ से ब्लड निकलता है, क्योंकि उसका प्रेशर कम होता है, लेकिन धमनी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर धमनी कट जाए तो बहुत ज्यादा ब्लड रुके, बहुत ज्यादा ब्लड निकलेगा वहां से, आदमी डेड कर जाएगा। कोई कोई यहाँ पे नस काट देता है तो ऊपर वाला होता है सीधा, इसको काट देने से आदमी बच भी जाता है, लेकिन ये एकदम दबा के काट दिया जाए अंदर तक, तो अंदर होता है धमनी, सीरा के अंदर होता है धमनी, उसको कट दिया जाए तो ब्लड रुकना बहुत मुश्किल रहता है, बहुत तेजी से ब्लड निकलता है, जिसके चलते आदमी मर भी सकता है। तो ये दो तरीके के नशे हो गए। इस चीज को देख लेते हैं, सीरा और धमनी क्या होता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, धमनी मतलब आर्टरी। आर्टरी जो होती है वो गहराई में होती है, अधिकतर गहराई के अंदर तक होती है आर्टरी। आर्टरी मतलब धमनी। और शीरा जो होती है ऊपर जो नसें हम लोग को दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं शीरा। लेकिन हम लोग का जो नस है ना, ऊपर वाला नस हल्का नीला भी रहता है, हल्का नीला नीला टाइप का दिखाई देता है, इसी को हम कहते हैं शीरा। लेकिन हम लोग जानते हैं धमनी में रक्त का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, मतलब 120 से जाता है। कोई भी कुछ अगर कोई यहाँ पे कोई चीज लटका दिए, बॉल वगैरह कील में, एकदम प्रेशर से फेंके तो उधर से हल्का कम प्रेशर से आएगा, आएगा कि नहीं। वैसे ही कोई बॉल दीवार पर फेंके तो उधर से टकरा के थोड़ा कम दूरी पे, यहाँ से फेंके टकराया थोड़ा उधर ही गिर जाएगा, मतलब इधर से जो जाता है उसका प्रेशर ज्यादा रहता है, उधर से जो होता है आता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो आर्टरी में धमनी ये जो है, धमनी का प्रेशर और स्पीड दोनों होता है, इसमें अधिक प्रेशर होता है और स्पीड भी होता है। लेकिन ये जो शीरा है वेन, जो कि कम गहराई पे होता है, मतलब ऊपर से ही नीला हल्का नीला कलर का दिखाई देता है, उस नस को कहते हैं जो कम गहराई पे रहता है, और इसका प्रेशर और स्पीड उतना ज्यादा नहीं रहता है, जितना कि स्पीड से जाना उतना स्पीड से नहीं आ पाता है, इसीलिए इसका प्रेशर कम होता है, प्रेशर और स्पीड कम होता है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग का ये जो, ये हम जो एग्जांपल बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं शीरा। अगर ये शीरा है, इसमें धमनी से अगर प्रेशर से जा रहा है 120 के प्रेशर से जा रहा है, तो उधर से आता है 80 के प्रेशर से। तो 80 के प्रेशर से आ रहा है, मान लीजिए कि कुछ चीज आया तो उधर रुक गया, तो रुक गया तो फिर उधर और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस चीज के लिए हम लोग का भगवान बहुत दिमाग से इसको बनाए थे कि नस को इधर से अगर हमारा ब्लड आ रहा है फिर वापस, तो यहाँ पे ये खुल जाएगा, ये खुल के यहाँ तक आ जाएगा और ये बंद हो जाएगा, फिर होगा ये खुल जाएगा यहाँ तक आ, इससे चलते ये क्या होगा कि ये वापस अपने जगह पर जहां से आया वहां तक जा सकता है, इससे ये फायदा। अगर ये नहीं रहता तो हम लोग का ब्लड कहीं भी फंस जाता है, यहाँ पे आया यहाँ फंसा, पीछे से फिर एक आया तो इसको प्रेशर दे के आगे भेज दिया, फिर एक बार इसका प्रेशर दे के आगे भेज दिया, ऐसे ही करते करते, लेकिन इधर से ये वापस नहीं जा सकता है, ये इधर से वापस नहीं जा सकता है, ऐसे ही वापस जा सकता है। इसलिए ये जो धमनी होता है इसमें जाने की क्रिया करती है, उधर से जो आने की क्रिया होती है ये शीरा मतलब वेन में करती है। इस चीज को हम लोग देख लिए, प्रेशर कम किस में होता है, प्रेशर ज्यादा होता है इसमें, ज्यादा होता है इसमें, कम होता है। और यहाँ पे इसका लल
लाल रंग का होता है। ये जो धमनी होती है, धमनी जो नस होती है, ये अधिक गहराई पे होती है, लेकिन इसका कलर भी क्या होता है, लाल रंग का होता है। इसका हल्का नीला रहता है जो कि हम लोग को दिखाई देता है, ऊपर वाला जो नस दिखाई देता है हल्का क्या होता है, नीला टाइप का होता है। ये दोनों को देख लिए। उसके बाद इसमें कपाल पाया जाता है, इसमें कपाल नहीं पाया जाता है, इसमें कपाल पाया जाता है। इसका मतलब ये, मतलब इसके प्रेशर से जाएगा, इसमें फंस फंस जाएगा। हम लोग ब्लड को फर्स्ट चैप्टर में बताए थे, फर्स्ट पार्ट में ब्लड के, उसमें हम लोग बताए थे कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या होता है। तो एक तरफ था लो, एक तरफ था हाई। तो हाई में हम लोग देखे थे उसका जो नसें होती थी, ये वाला था, इसके अंदर ये ब्लड फॉलो कर रहा था, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे ब्लड जम जाता था कुछ कुछ, मतलब ये कौन सा नस है, ये धमनी में ही। ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाता है तो इधर फैट बनने लगता है, जिसका ये नस पतला हो जाता है, इसके चलते बहुत हार्ट अटैक भी हो जाता है। इस चीज को हम पार्ट वन ब्लड के पार्ट वन चैप्टर में पढ़ा दिया है, आप लोग नहीं देखे हो तो देख लीजिए पहले उसको। तो वही होता है जिसको कपाल बोलते हैं, इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। ये हृदय से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेटिंग जो करता है, जो हृदय से निकल के पूरे अंग तक जाता है, सारे शरीर में जाता है, फिर सारे शरीर में चले जाता है, ये धमनी के अंदर ही होता है। लेकिन जो सीरा होता है, ये पूरे जो हमारे अंग होते हैं वहां से फिर वापस घूमते हुए चारों तरफ से हाथ पैर और चारों तरफ से घूमते हुए फिर हृदय तक आता है। मतलब इसका काम होता है हृदय से अंग में पहुंचाना, और इसका काम होता है अंग से हृदय तक फिर वापस लाना। ये ब्लड सर्कुलेटिंग करता है इस तरह से। इसको भी देख लिए और इसको भी देख लिए। उसके बाद होता है इसको देख लिए। ये क्या होता है, शुद्ध होता है, ये होता है अशुद्ध होता है। मतलब उधर से ऑक्सीजन को वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है, और इसीलिए ये अशुद्ध होता है। यहां से फिर इसे वापस निकाल देते हैं हृदय से, और इसके थ्रू फेफड़े के थ्रू इसे वापस निकाल दिया जाता है। यहाँ पे हृदय रहता है, इसी से कनेक्ट, यहाँ से कनेक्ट रहता है, तो यहाँ से फिर वापस इसको निकाल देता है, तो फिर यहाँ से ऑक्सीजन लेता है। तो ये हॉट एक चैप्टर है, हॉट अगला वीडियो हॉट का होगा, उसमें हम बता देंगे कैसे हॉट काम करता है, कैसे ऑक्सीजन यहाँ से शुद्ध रक्त को कैसे प्यूरिफाई करता है, इस चीज को देख लेंगे। और इसमें फेफड़ा लंग्स का क्या यूज होता है ऑक्सीजन को लेना और लेके जाने का, यहीं से भी इसका भी काम होता है, इस चीज को देख लेंगे। अभी उतना ही ध्यान दीजिए कि इसमें धमनी के अंदर शुद्ध रक्त होता है और सीरे के अंदर अशुद्ध रक्त पाया जाता है, इस चीज को देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद यहाँ पे जो ये पेज दिखाई दे रहा है इसको भी स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद हम अगला दिखाते हैं, अगला टॉपिक बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाता है, कौन सा सीरा क्या होता है, बड़ा सीरा, छोटा सीरा और स्मॉल सीरा क्या होता है, इस चीज के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया धमनी और सीरा के बारे में, हार्ट से यहाँ पे अंग तक जाता है, फिर अंग से हार्ट तक जाता है। तो इस चीज को देखते हैं, अंग में कौन सा होता है, कैपिलर्स मतलब केशिका होता है वहां तक जाता है, तो वहां पे कैसे जाता है उस चीज को देखते हैं। यानी हार्ट से महाधमनी के पास जाता है, बड़ी धमनी जो बड़ा हम लोग का जो ब्लड से सर्कुलेटिंग करता है, जो मोटा नस होता है उसके पास जाता है। जैसे हम लोग का यहाँ के अंदर वाला हो गया, यहाँ के नस हो गया, वे बड़े वाले नस के पास जाता है, उसके बाद धमनी के पास जाता है, महाधमनी से धमनी के पास, धमनी से छोटी धमनी के पास। ये हमारा एक ग्राफ है जो कि हार्ट से महाधमनी में जाता है, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, वहां से कैपिलर्स मतलब केशिका को दे देता है, केशिका से फिर वापस, केशिका होता है एक तरफ से आने वाला और केशिका होता है एक तरफ से फिर वापस भेजने वाला, एक तरफ से जाने वाला फिर एक तरफ से आने वाला केशिका होते हैं। केशिका से छोटी सीरा में आ जाता है, अब सीरा वेन में आ गए, छोटी सीरा में आ गए, सीरा से फिर सीरा में आ जाते हैं, उससे जो मोटा होता है, सीरा से महाशीरा में आते हैं, उससे जो मोटा जो नसें होती है ना आने के लिए, उसे महाशीरा कहते हैं, महाशीरा से फिर हार्ट में आता है। ये सर्कुलेटरी हमेशा चलते रहता है, इसी को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे विलियम हार्वे ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसका खोज किया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस चीज को, तो हम देख लिए छोटी सीरा, बड़ा सीरा और सीरा, छोटी सीरा, सीरा और महाशीरा, महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी, इस चीज को देख लिए।
अब यहाँ देखते हैं केशिका, केशिका कोशिका नहीं, केशिका, केशिका दो तरीका से होते हैं, फिगर में भी देख लीजिए और यहाँ देखिए केशिका दो तरीका से होती है, एक तरफ से अशुद्ध रक्त को लेके वहां तक छोड़ती है, फिर वहां से अशुद्ध रक्त को वापस लेके आती है। रक्त जो परिसंचरण करता है अंतिम उसका स्थान होता है कैपिलर यानी केशिका होता है, वहां तक ब्लड को छोड़ता है फिर वहां से वापस लेके आता है, यही क्रिया हमेशा चलते रहता है। ये तो केशिका को देख लिए, इसी को सर्कुलेटिंग सिस्टम कहते हैं। आई होप कि आप सबको ये सब समझ में आया हो गया। अगला वीडियो रहेगा हार्ट के, हार्ट कैसे हार्ट बीट करता है, लव और डव का साउंड आता है, लव कैसे इसको लव को लव ही बोल दिया गया, इस सब चीज के बारे में, हार्ट के बारे में अगले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।